हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता नन्हा उपवन से। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कोरोना महामारी अपने चरम पर है दोस्तों, लेकिन हमें इसमें बचना है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हेल्थफुल प्लांट के बारे में आपसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम सभी को अपने गार्डन में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, उस प्लांट का नाम है स्नैक प्लांट। तो ये आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी स्नैक प्लांट के बारे में। तो ये जो है दोस्तों, गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये गर्मियों का ही प्लांट है, ऐसे तो ठंड में भी रहता है लेकिन ठंड में ये डोरमेंट हो जाता है और गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, स्नैक प्लांट को हम सेंसेवेरिया के नाम से भी जानते हैं और ये प्लांट जो होता है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है हमारे लिए दोस्तों। और ये पॉल्यूशन को कम करता है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है। अब तो WHO ने भी कह दिया है कि ये जो प्लांट है इंडोर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने वाला प्लांट है और पॉल्यूशन फ्री करता है ये। तो दोस्तों, ये आपके सामने 4-5 प्लांट आपको दिख रहे हैं प्लांटर, और मेरे घर के सारे रूम में ये एक एक हैं। अभी वीडियो बनाना था तो मैं इन्हें बाहर ले आई हूँ, तो आपको दिख ही रहा है ये सारा। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो स्नैक प्लांट या सेंसेवेरिया जो होता है ये पॉल्यूशन फ्री करता है हमारे घर को। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं। इसके लिए सॉयल जो है बहुत ही हल्की बनानी है, यानी मिट्टी ऐसी बनानी है कि जड़ों में पानी ना रुके। तो इसके लिए वही गार्डन सॉयल होना चाहिए, थोड़ा सा रिवर सैंड यानी कि बालू या बजरी, और कोकोपीट है तो थोड़ा सा कोकोपीट भी आप मिला लें और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इसे नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा फर्टिलाइजर एक बार साल में एक या दो बार दे दें, या तो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना पील या मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। और बस इसको लगा दीजिए और बहुत थोड़ी सी मिट्टी में भी दोस्तों ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मैं आपको एक प्लांट दिखा रही हूँ अपना, ये वाला प्लांट, ये जो है देखिए दोस्तों, मैं इसको दिखा रही हूँ। ये छोटा सा देखिए डब्बा है, छोटा सा प्लास्टिक का, और देखिए इसकी लंबाई आप देखते जाइए, ये देखिए, ये यहाँ तक है पूरा, इतना लंबा ये प्लांट है दोस्तों। तो बहुत थोड़ी सी मुट्ठी, दो मुट्ठी में भी अगर इसको लगा दीजिए तो ये बड़े ही आराम से लग जाता है, इतना अच्छा इसका मतलब इसकी ग्रोथ होती है। तो मिट्टी आप इसके लिए वेल्डन बनाइए, फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक या दो बार दे दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, इसे पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर गर्मी का दिन है तो हफ्ते में एक बार पानी दीजिए, और ठंड है तो महीने में एक या दो बार। यानी पानी अगर आप भूल भी जाएं 2-4 दिन तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उतना ही अच्छे से रहेगा और अपनी ग्रोथ ऐसे ही मेंटेन रखेगा। जहाँ तक दोस्तों इसके सनलाइट की बात है, तो सनलाइट के लिए इसे बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, और हल्की सी धूप 1-2 घंटे की मिले तो ठीक है, लेकिन इसे अच्छी रोशनी चाहिए। तो मेरे सारे रूम में अच्छी खासी खिड़कियों से रोशनी आती है तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है, और धूप इसे बहुत कम ही मिल पाती है लेकिन रोशनी इसे अच्छी मिलती है। और दोस्तों, अगर हम इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये बहुत ही आसान है, यानी इस एक प्लांट से हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। अब दोस्तों, आप नहीं मानेंगे, मैं अपने पड़ोसी से ये एक प्लांट इसका लेकर के आई थी और उससे ये इतने सारे बने, इतना जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है कि मत पूछिए। इसे प्रोपोगेशन का इसका दो तरीका होना चाहिए मेरी समझ से, मैं जानती हूँ। जो एक तो ये है कि दोस्तों, इसको पत्तियों से, इसकी लीफ से लगाया जा सकता है। ये जो इसकी लीफ आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से कट करके और इसको मिट्टी में लगा दीजिए तो ये बड़े अच्छे से मतलब ग्रोथ कर लेता है, इसकी जड़ें निकल आती हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं। और दूसरा इससे आसान तरीका है, जब इसका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसके शूट्स निकलते हैं दोस्तों। शूट्स मतलब इसी पेड़ से ही इसके बच्चे निकलते हैं। आप ये देखिए, ये छोटे छोटे देख रहे हैं ना, ये वाला जो प्लांटर है, इस प्लांटर में मैंने ये देखिए 2 प्लांट इसमें लगाया था मैंने, और इससे ये सारे शूट्स निकले हैं। और इसी में से मैंने ये इस तरह की ये जो शूट्स निकले हुए हैं छोटे छोटे, मैं निकाल करके देखिए दोस्तों, इस वाले में ये जो है इसमें मैंने 2 लगाया है ये, और इसके अलावा 2 निकाल करके मैंने यहाँ भी लगाया देखिए, और इतने आसानी से लग जाते हैं क्योंकि शूट्स में जड़ें भी होती हैं। इसको बस आप ऐसे ही अलग कर दीजिए, कट करके और इसको लगा दीजिए तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको स्नैक प्लांट के बारे में ढेर सारी बातें बताई और ये बताया कि ये हमारे लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक होता है। लेकिन दोस्तों, ये स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ
हमारे गार्डन को खूबसूरत भी बनाता है, रूम में भी बहुत अच्छा एक अच्छा सा सीन क्रिएट करता है। आप देखिए, आपको नहीं सुंदर लग रहा होगा जरूर। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि आप भी अपने गार्डन में अगर अभी तक आप नहीं लगाएं तो इसे जरूर लगाइए, क्योंकि ये हेल्पफुल तो है ही स्वास्थ्य के लिए, और इसके अलावा ये ब्यूटी भी क्रिएट करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।